नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8s 5G वर्सेस Realme Narzo 35G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.4 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.94 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 8s 5G में 0.35 इंच जबकि Narzo 35G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 8s 5G में 191 ग्राम जबकि Narzo 35G में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों फोन में सेम ही 83.92% थे। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 8s 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Narzo 35G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 8s 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Narzo 35G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 8s 5G में MediaTek Dimensity 810 और Narzo 35G में MediaTek Dimensity 700MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 8s 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Narzo 35G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 8s 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Narzo 35G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 8s 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ ₹17,999, 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ ₹19,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Narzo 35G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ ₹15,999,
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme 8s 5G में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Narzo 35G की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Realme 8s 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme Narzo 30 Pro है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 है जो कि 13,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 5G है जो कि 15,499 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।